Dear students, welcome on RCI online Pathshala. Now we start a new concept, modulus of a complex number. और ये बहुत अधिक important है, ध्यान से देखना. देखो, if z equal to क्या है, x plus iota y, तो इसका जो मॉडुलस होता है वो मोड जेड होता है. इसको मॉडुलस ऑफ जेड बोलते हैं, बाकि हम अपनी जो जनरल लैंग्वेज में मोड जेड बोल देते हैं. इस मॉडुलस को मोड बोल देते हैं, और वो क्या होता है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर. ठीक है, अब देखो ये मोड जेड है, इसको हम पढ़ते कैसे हैं, हाउ टू रीड मोड जेड. तो देखिए, इस जेड माइनस जीरो ऐसे लिखो आप. ठीक है, पढ़ना कैसे है वो आपको बता रहा हूं. पढ़ते कैसे हैं, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम जीरो का मतलब क्या हो गया, ओरिजिन. डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन, आप इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहो तो देखिए, ये आपका x और ये आपका y है. तो यहां पे आप जो z कोऑर्डिनेट है वो लिखो, तो x कोमा y बोल दो इसको, और ये क्या है आपका, जीरो यानी ओरिजिन. और इसको और इन दोनों लाइन को आपस में ज्वाइन कर दो, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली, मतलब ये o से a तक की जो डिस्टेंस है उसको ही क्या बोलते हैं, मोड z बोलते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या लिखा मैंने, जेड माइनस जीरो का मीन क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन, मतलब जेड की जीरो से क्या डिस्टेंस है. आ गई बात समझ में, जैसे आप स्कूल में आए तो स्कूल की आपके घर से कितना डिस्टेंस है. ठीक है, तो ये जेड की जीरो से क्या डिस्टेंस है, स्कूल की आपके घर से क्या डिस्टेंस है, इस तरीके से मोड जेड पढ़ा जाएगा. ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मैं मैनिपुलेट करता हूं चीजों को. देखना, अगर कहीं आपको लिखा मिले जेड प्लस फाइव, देखो जेड की ये ओरिजिन का मतलब क्या है, ये जीरो जीरो से है, भले ही यहां पे जीरो दिया लेकिन किससे है, ये ओरिजिन से मतलब है इसका. अब कहीं आपको लिखा मिल जाए जेड प्लस पांच, तो क्या बोलोगे, देखो जेड आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस. ठीक है, ये माइनस, उसके बाद क्या करोगे, माइनस फाइव हो गया. अब देखो क्या लिखोगे, इसको पढ़ोगे कैसे, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम आप माइनस फाइव नहीं लिखोगे, माइनस फाइव कोमा जीरो पढ़ोगे इसको. ठीक है ना, आगे बात समझ में. अगर कहीं आपको मिल जाए जेड माइनस वन, तो इसको कैसे बोलोगे, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम वन नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, वन कोमा जीरो बोलोगे. ठीक है, अब उसके बाद और देखो, एक इसी में ही देख सकते हो आप, और बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद रखना है कि जेड अगर एक्स प्लस आयोटा वाई है तो उसका मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा. अगर कहीं आपको ऐसे लिखा मिलता है जेड माइनस टू प्लस थ्री आयोटा, अगर यू मिलता है तो आप क्या लिखोगे, देखो टू प्लस थ्री आयोटा को हम कैसे लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन में टू कोमा थ्री पढ़ा रखा है, तो आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम क्या लिखोगे, टू कोमा थ्री. क्लियर, क्योंकि यहां को माइनस चाहिए था, माइनस आपके पास है, जेड माइनस जो भी दिखे उसको लिख दो. अगर यहां जेड माइनस टू होता तो मैं लिखता डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम टू कोमा जीरो. अब यहां पे टू और थ्री है तो मैंने टू थ्री लिख दिया. अगर कहीं ऐसे लिखा मिल जाए वन प्लस आयोटा, ये लिखा मिले तो क्या लिखोगे, जेड माइनस और एक माइनस अपनी तरफ से लगाओ, यू लिख देता हूं माइनस और वन प्लस आयोटा. ठीक है, ये हो गया, लो इसको आगे सोल्व कर लो, तो क्या लिखोगे, जेड माइनस और इसको सोल्व करो, माइनस वन और माइनस आयोटा. ठीक है, आप इसको यू भी लिख सकते हो इस तरीके से.
तो क्या लिखोगे इसको देख करके? डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम कहां से कहां तक, देखो ये माइनस है ही, तो यहां पे क्या आया? माइनस वन, और माइनस आयोटा की जगह क्या आएगा? माइनस वन। लो नहीं समझे? देखो माइनस वन माइनस आयोटा है, तो यहां पे वन मान लो, तो क्या लिखोगे? यहां से तो माइनस वन, और यहां से क्या हुआ? आयोटा छोड़ो, क्या बच गया? माइनस वन। ठीक है ना, वही तो लिखा है मैंने। तो इस प्रकार से आप मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है। केवल और केवल आपको बताना है कि जेड माइनस जो भी दिखे उससे जेड की डिस्टेंस बता दो। अभी इसमें एक चीज काम में आ जाती है कई बार, देखिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ है, लेकिन जब ऑफलाइन क्लास में आओगे, शायद आपका 21 अक्टूबर से आपकी क्लास रेगुलर हो जाएंगी, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूं, तब अपन इस चैप्टर को दोबारा से करेंगे और बहुत आराम से करेंगे, क्योंकि आपका एक बार पढ़ा हुआ रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कहीं लिखा मिले जेड प्लस थ्री और उसके इक्वल टू टू लिखा मिले, बहुत क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के, तो क्या लिखोगे? जेड माइनस ऑफ माइनस थ्री इक्वल टू टू, क्योंकि जेड के तुरंत आगे क्या लगेगा? माइनस। तो क्या लिखोगे? डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम माइनस थ्री कोमा जीरो, माइनस थ्री है तो जीरो अपनी तरफ से लगाओ, इज टू। ठीक है, इस प्रकार से हमने मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को ठीक प्रकार से समझा। आप इस वीडियो को 3 से 4 बार देखिएगा। आज के लिए इतना ही।